मेरा अपना कोई वजूद नहीं, अपना कोई अख्तियार नहीं। मैं चाहकर भी अपनी कोई राय या फिर कोई मर्जी नहीं रख सकता। उसने सोचा एक सुंदर राजकुमार होना चाहिए, मैं आ गया। उसने सोचा उसकी बहन को किसी से प्यार होना चाहिए, प्यार हो गया। उसने सोचा थोड़ा रोमांस भी होना चाहिए, रोमांटिक हो गया। और अब जब मुझे प्यार हुआ तो मुझ पर अंकुश लगाने लगी। समाज की पाबंदियां, समाज की तुच्छ सोच ने उसे भी जकड़ लिया है। एक तरफ अपनी बहन होने का फर्ज निभाती है, दूसरी तरफ समाज का खौफ उसे डराता भी। मैं उसकी अब मदद करना चाहता हूं, उसके दुख दर्द को मैं समझने लगा। अपनी मर्जी से अपना दूल्हा चुनने का अंजाम हकीकत में अपनी बहन के साथ देख चुकी है। अपनी ही जिंदगी में फिर से वो सब उसके साथ होना वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। लेकिन उसके अंदर उसके पिता का शैतानी साया और समाज की खौफनाक सोच भी है। ऐसे में मेरे और ज्योति के प्रेम का नतीजा क्या होगा? कहते हैं इस दुनिया में प्यार ही सबसे सुंदर एहसास होता है, और इस एहसास को बनने में कई युग लग गए। ईश्वर ने इसी एहसास से ये दुनिया बनाई, इसी प्यार के एहसास से आपको और हमको बनाया है। तभी तो आपको देखते ही हमें आपसे प्यार हो गया। हमें कुछ पता ही नहीं चला कब हमारा दिल हमें छोड़कर आपके पास चला गया। हम बहुत खुश। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, लेकिन मेरा दिमाग नहीं खराब हुआ है। कोई दरवाजा नहीं खुलेगा और कोई बाहर नहीं जाएगा। नहीं, आपको खोलना पड़ेगा। चलो ना दीदी, चलो। आप दरवाजा नहीं खोलोगी तो ज्योति दीदी बाहर कैसे जाएगी? ज्योति को बाहर जाना है, लेकिन किसने? दीदी, ज्योति दीदी को ना राजकुमार से प्यार हो गया है। प्यार? वो भी इश्क वाला। कितना अजीब है ना, अपने पराए सब हमें दुख तकलीफ देते हैं। जब भी हम अपने मन की बात उनसे करते हैं, जहां प्यार होता है वहां दुख का नामो निशान नहीं होता। वहां होती है तो सिर्फ और सिर्फ खुशियां। आप हमेशा हम इतना ही प्यार करेंगे ना? बोलिए ना। हमें इसका जवाब मालूम, लेकिन फिर भी हम आपसे पूछना चाहते हैं। बताइए, आपका साथ निभाएं, और अगर सातों जन्म वाली बात सच है तो हम सात जन्म आपका साथ निभाएंगे।
क्या हुआ दीदी? राजकुमार के यहाँ क्या कर रहा था? राजकुमार? राजकुमार यहाँ आए थे? कहाँ है वो राजकुमार? हमें क्या बेवकूफ समझा है? यह हमें दिखाई नहीं पड़ता। राजकुमार यही था और हमें देखते ही भाग गया। अच्छा, तो ये बात है, तो आपने उसे भगा दिया। एक बात बताइए, क्या आपको हमसे जलन होती है? बताइए हमें, क्या आपसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई हमसे इतना प्यार करता है? इतना ज्यादा मत बोलो, दो थप्पड़ लगाएंगे। हाँ तो मारिए ना हमें, हमने कब रोका है? लेकिन हमारे और राजकुमार के बीच में आने की कोशिश भी मत करना। तुमको पता भी है वो तुम्हारे साथ क्या करने की कोशिश कर रहा था? क्या करने की कोशिश कर रहा था? छोटी, वो तुम्हें छूने की कोशिश कर रहा था। हाँ तो दीदी, ठीक है ना, इसमें गलत क्या है? हम उनसे प्यार करते और वो हमसे प्यार करते, इसमें आपको क्या दिक्कत है? तुमको कोई छुए और हमको दिक्कत नहीं होगा? क्यों दिक्कत होगी बताइए हमें, क्यों होगी दिक्कत? राजकुमार, अगर उसे हमें छूना होगा तो क्या उसे आपसे पूछना होगा? और हमें उनसे रोमांस करने के लिए वो भी हमें आपसे पूछना होगा, है ना? कितनी पाबंदियां लगाएंगी। लेकिन एक बात याद रखिए, हमारे दिल, हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ राजकुमार रहते हैं। अरे जिसने हमारे मन को छू लिया है, अब ये शरीर क्या चीज है? वो हमें छू सकते हैं।